हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल गुप्ता जी में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको परचेज और सेल के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखें उस वीडियो को। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पेमेंट एंट्री, रिसीप्ट एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, क्योंकि इन तीनों एंट्री के बिना हमारा अकाउंट अधूरा है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और सीख लेते हैं आसानी से कि कैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री और रिसीप्ट एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री करने से पहले दोस्तों हम समझेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री हम कब कब करेंगे। तो दोस्तों जब भी कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होगा या बैंक और बैंक का ट्रांजेक्शन होगा तो हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये तीन एंट्री बनाई है जिसमें कैश और बैंक का और बैंक और बैंक का ट्रांजेक्शन है, जिसके आधार पे हम समझेंगे तो हमको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो आपके पास जब भी इस तरह की तीन एंट्री कोई भी आए तो आप आंख बंद करके कॉन्ट्रा में उसका एंट्री कर सकते हैं। तो पहला एंट्री हमारा क्या है, कैश डिपॉजिट किया यूनियन बैंक में, यानी कि कैश जमा किया यूनियन बैंक में, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए दोस्तों इसमें बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन है तो इसलिए इसको हम कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे। और दूसरा एंट्री है हमारा कैश विड्रॉ किया यूनियन बैंक से, तो इसमें भी दोस्तों कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन है तो इसमें भी हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करेंगे। तीसरा एंट्री हमारा है यूनियन बैंक से 5,000 रुपीज SBI अकाउंट में ट्रांसफर किया, यानी कि दोस्तों इसमें एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसमें भी हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज करेंगे क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है। तो चलिए दोस्तों हम टैली प्राइम में चलते हैं और सीख लेते हैं कि कैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री को करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ हम टैली प्राइम में आ चुके हैं, उसके बाद दोस्तों हम वाउचर्स में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पेमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो सिंपली हम F4 की प्रेस करेंगे और कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा ऊपर वाला डेबिट कॉलम है तो इसमें हम लिखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना रुपया कैश जमा करना है तो 5,000 रुपया। तो उससे पहले दोस्तों आप एक बार फिगर पे ध्यान दीजिएगा, यूनियन बैंक का फिगर है 2,15,000 रुपया और कैश है हमारे पास 90,945 रुपया। तो देखिए जैसे ही 5,000 डालूंगा तो दोनों फिगर आप चेंज होते हुए देखेंगे। जैसे मैंने 5,000 रुपया डाला है, यहाँ पे इंटर किया, अब आप देखिए 2,15,000 था बैंक का बैलेंस, हमारा 2,20,000 हो गया और हमारा 90,000 कैश बैलेंस था जो कि घट के 85,000 हो गया क्योंकि कैश हमारा बैंक में ट्रांसफर हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया हमारा कैश बैंक का। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी डिटेल होगा वो आप यहाँ पे सिंपली फिल कर देंगे, मैं अभी कुछ नहीं फिल करूंगा, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक नेम में हम जिस बैंक में अपने पैसे को जमा कर रहे हैं उसका नेम लिख देंगे, जैसे कि मैं जमा कर रहा हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग 5,000 रुपीज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हमारा नरेशन हो गया। उसके बाद इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस एंट्री को। तो इस तरह से हमने एक कॉन्ट्रा एंट्री कर लिया, इसी तरह से दूसरा एंट्री भी हम कर लेंगे। तो दूसरा एंट्री हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं, कैश विड्रॉ किया यूनियन बैंक से, यानी कि कैश निकाला है, तो कैश निकालने की एंट्री हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए हम इसको एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कितना रुपये का है 10,000 रुपये का, तो 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, अब यहाँ पे हम चेक नंबर दे देंगे जिससे हम कैश को निकाल रहे हैं, तो मैं एक मैन्युअली कुछ भी चेक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद किस डेट को चेक, किस डेट का चेक है तो यहाँ पे वो फिल कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके फिर से यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉल, तो यहाँ पे हमने कैश विड्रॉल लिख दिया, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी हमारा एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री हम देख लेते हैं हमारी क्या है, तीसरी एंट्री हमारी है दोस्तों यूनियन बैंक से 5,000 रुपीज SBI अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो इसकी एंट्री है SBI अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक अकाउंट। तो चलिए हम इसको भी करते हैं SBI अकाउंट डेबिट टू यूनियन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपए का है, तो यहाँ पे 5,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी चेक नंबर लिख देंगे किस किस चेक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं कुछ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक का डेट दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इंटर इंटर करके इसको
फिर से नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, और इस तरह की आपके पास जब भी तीन एंट्री आए इस तरह की, तो आप आंख बंद करके उसको कॉन्ट्रा में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे रिसीप्ट एंट्री और पेमेंट एंट्री की। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिसीप्ट एंट्री और पेमेंट एंट्री होता क्या है। तो दोस्तों जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, और जब भी आप किसी पार्टी से पैसा आपके पास आएगा तो आप उसको रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों रिसीप्ट एंट्री और पेमेंट एंट्री को हम करना देख लेते हैं कि कैसे हम रिसीप्ट एंट्री पेमेंट एंट्री करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेजर खोलना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों मैं मान लीजिए एक गुप्ता एंड कंपनी का लेजर खोलता हूँ, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी का ये मेरी सेल पार्टी है, ठीक है। इससे दोस्तों देख रहे हैं आप डेबिट में मेरा 2,36,565 रुपया क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, यानी कि 2,36,565 रुपया गुप्ता एंड कंपनी से हम पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए आप कि गुप्ता एंड कंपनी ने मुझे मेरा पैसा दे दिया है, तो मुझे मेरा पैसा रिसीव हो गया। तो चलिए उसके लिए हम रिसीप्ट एंट्री करते हैं। तो स्किप करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद F6 प्रेस करेंगे, हमारा रिसीप्ट वाउचर खुल गया। उसके बाद हम किस अकाउंट में पैसे को ले रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ले रहे हैं। किस कंपनी से ले रहे हैं, गुप्ता एंड कंपनी से ले रहे हैं। कितना रुपया ले रहे हैं, 2,36,565 रुपया, ठीक है। इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में उस बिल का डिटेल दे देंगे जिस बिल के अगेंस्ट में हम ये पैसा ले रहे हैं। तो ये बिल हमारा है, तो इसको मैंने ले लिया। उसके बाद इंटर करके सिंपली यहाँ पे कौन सा चेक नंबर से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। उसके बाद किस डेट का चेक है, तो आप यहाँ पे डेट भी डाल देंगे चेक का। जैसे कि मान लीजिए 3/8 का डेट है चेक का। कौन से बैंक का चेक है, तो मान लीजिए HDFC बैंक का चेक है, HDFC बैंक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, तो ये हमारा एंट्री हो गया कंप्लीट। तो रिसीप्ट एंट्री हमने सीख लिया। अब दोस्तों हम सीखेंगे पेमेंट एंट्री। उसके लिए भी दोस्तों हम एक लेजर देख लेंगे। सबसे पहले तो DAL विशाल गुप्ता का एक लेजर खोल लेते हैं। विशाल गुप्ता हमारी परचेज पार्टी, यानी कि इससे हम माल खरीदते हैं। तो दोस्तों इसमें इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में है, यानी कि हम उधारी में माल लिए हैं जिसका पेमेंट हमको बाद में करना है। तो इसका पेमेंट कितना है, 1,75,182 रुपया जो कि ड्यू है, जो कि हमको पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों इसका पेमेंट हम कर देते हैं। तो सिंपली हम स्केप करके बाहर चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली में वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। वाउचर में चले जाएंगे, यहाँ पे F5 से पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो पेमेंट वाउचर हमारा खुल गया। अब किस अकाउंट से हमको पेमेंट करना है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमको पेमेंट करना है। किस पार्टी को करना है, तो विशाल गुप्ता को करना है। उसके बाद कितना अमाउंट करना है, तो 1,75,182 रुपया का पेमेंट करना है। सेम रिसीप्ट जैसा है वैसा पेमेंट भी है। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में इस बिल के अगेंस्ट में हमको पेमेंट करना है, तो इस बिल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर इंटर करके सिंपली यहाँ पे चेक नंबर, किस चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ एक। उसके बाद कौन सा डेट है चेक का, तो चलिए 8/8 का डेट है चेक का। उसके बाद यहाँ पे नरेशन में हम लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी, तो यहाँ पे हमने नरेशन में भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम पेमेंट एंट्री, रिसीप्ट एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आगे भी लाने वाले हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे।